नमस्कार, बुंदेली दर्पण देख रहे हैं आप। सुबह की शुरुआत करेंगे छतरपुर के चंदला की खबर से, जहां बीती शाम कलेक्टर छतरपुर पहुंचे, कृषि उपज मंडी में स्थित खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। देर रात तक रुके हैं वहां, लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय व्यतीत किया कलेक्टर ने। किसानों से बात की, अव्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारों को फटकार लगाई, वहीं निर्देश दिए कि किसी भी किसान का माल जो कैंपस में आ चुका है या बाहर खड़ा है, सबकी तुलाई होनी चाहिए। तो 4 से 4.5 घंटे का समय बिताया कलेक्टर ने। चना खरीदी केंद्र हैं, कृषि उपज मंडी में संचालित हैं चंदला की, और अव्यवस्थाएं यहां की जो थी उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। और फिर उसके बाद कलेक्टर देर शाम चंदला पहुंचे और उसके बाद 4 घंटे से अधिक समय वहां पर बिताया, किसानों से बातें भी की, उनकी समस्याएं सुनी और जिम्मेदारों को निर्देश दिए। उनका कहना था कि हालांकि 10 जून तक ही खरीदी का समय है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो यहां उसका समय बढ़वाया जाएगा। तो चंदला खरीदी केंद्र की ये तस्वीरें, जहां लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर तस्वीरें सामने आ रही थी, आरोप भी लग रहे थे कि किसानों का माल न तोला जाकर व्यापारियों के माल की तुलाई हो रही है और किसान सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल कलेक्टर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की, वहीं आवश्यक निर्देश भी दिए जिम्मेदारों को। चैनल को लेकर के बहुत सारे किसान आ गए हैं, उनका नहीं चल रहा है। मैं जो छतरपुर में था तो मुझे बताया गया था, उसको देखने के लिए आया हुआ था कि क्या स्थिति है। देख रहा हूँ कि बहुत सारे किसान आ चुके हैं, उनका चैनल नहीं चल रहा है। मेरा आप सबके माध्यम से कहना है कि सभी जो एक्चुअल किसान हैं उनका चैनल खोला जाएगा, भले वो आज खोले या कल खोले, जो ज़रूरत होगी तो उसको हम एक्सटेंड भी करा लेंगे। बट किसान परेशान ना हो, अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। सर समय साथ खुलवाते रहें, अगर समयावधि बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी बढ़वा लेंगे। शासन ने हमें कहा है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बढ़ा लीजिए, पर अभी समयावधि 10 जून तक ही है। जो किसान इस कैंपस में है या बाहर आ गए, उनका सबका टोल आ रहे हैं। मैं तो सभी किसानों से आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बताए नाम वाम बताए, जो लोगों ने इनको दिया है तो नहीं बता रहा है। अगर आप लोग सभी किसान लोग आगे आकर के नहीं देंगे तो लोगों को कार्रवाई करना मुश्किल होगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह के लोग हैं, अगर उनकी जानकारी में है तो बताएं, अन्यथा फिर केवल बोलने में ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई करें। क्योंकि हम लोगों ने भी, मैंने कहा है अपने जनता से जांच करें, अगर रिकॉर्ड किसी को दर्द मिलता है तो कार्रवाई जी।